मां बोली दे हकां दी तहरीक दा झंडा चुकन वालियां तंजीमां दा उचेचा इकट्ठ पंजाब हाउस विच होया, जिथे 16 अक्टूबर नूं होण वाली रैली बारे गलबात कीती गई। आगुआं दा कहना सी कि जद तीकर पंजाबी नूं ज़रिया तालीम नहीं बनाया जाएगा, समाजी तरक्की दा पैंडा औखा हुंदा जाएगा। और सानूं 2-3-4-5 मुहासा ते लड़ना पवेगा। सब तो वड्डा मुहासा दा गवर्नमेंट नाल टक्कर लैण दा, दूजा मुहासा सानूं अपनी आवाज लोगों तक पहुँचाने का हिस्सा है, तीजी जंग साड़ी सोशल मीडिया से मीडिया से जिन्हों असी बदतरीन लड़ांगे तो कामयाबी की मंजिल पर पहुँचेंगे। मैं ये समझना कि यह इदारा साड़ा जिहड़ा है इस तुहाडी तहरीक दरमे कदमे सुखने आशक तुहाडे नाल है, और बाकी दोस्तों भी यही गुजारिश होगी कि वह इस हिस्से अपना किरदार अदा कर, बगैर किसी इख्तलाफ के अजलास विच फैसला कीता गया कि अपनियां मंगां मनवाण लई हर हद तिकर जाया जाएगा। 16 अक्टूबर दी रैली मां बोली दे हक लई जारी तहरीक दा ओह नुक्ता साबित होएगी जिदे बाद ओह हुक्मरान तबके उते दबाव वधाउण लई पंज दरियावां दी धरती दे पुत्तर सड़कां उते आउण दा फैसला करनगे। पहला चैलेंज है स्टेट नाल टक्कर, ते मेरा ख्याल है कि उस स्टेट नाल टक्कर तों वड्डा चैलेंज है जिहड़ा साडे अपने अंदर ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਗੂਆਂ ਧਰਤੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਰਲਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।